हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल। अगर आप भी चाहते हैं कि एंगुलर डेवलपर बनना, तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम आपको देते हैं एक कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एंगुलर की ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ ही साथ हम आपको लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं, जिसके लिए आपको हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर जाना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आप उस पर क्लिक करके सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और अपना बैच चूज कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ऑनलाइन क्लास, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट अवेलेबल है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन के बारे में देखा, जो कि हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर का पार्ट था। और दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि एंगुलर 7 में मॉड्यूल्स का क्या कंसेप्ट है, मीन्स कि मॉड्यूल क्या होता है, हम कितने मॉड्यूल अपने एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और क्यों क्रिएट कर सकते हैं, उसका क्या कंसेप्ट होता है, उन सारे चीजों को हम विद प्रैक्टिकल मॉड्यूल क्रिएट करके भी इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे और डिटेल्स में समझेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एक एक करके बेसिक चीजें पहले समझेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में हम कंपोनेंट्स क्या होता है, डेकोरेटर्स क्या होता है, पाइप्स क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या होता है, सर्विस क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, इन सारे चीजों को एक एक करके हम देखते जाएंगे, जो कि बेसिक कंसेप्ट है आपके एंगुलर के, राइट। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो मॉड्यूल्स पर फोकस्ड है, मींस कि मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होता है, कितने मॉड्यूल हम क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये देखेंगे। अगर बहुत ज्यादा कर सकते हैं तो क्यों करेंगे, क्या कंसेप्ट होता है, किस सिनेरियो में हमें क्रिएट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, क्रिएट करेंगे, उन सारी चीजों को हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकॉन क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके YouTube ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में हम समझेंगे जो कि हमने क्रिएट किया था पिछले वीडियोज में, माई एनजी 7 ऐप। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आपको हम बता दें कि जो मॉड्यूल होता है दोस्तों, एक कंटेनर होता है जो लॉजिकल कंपोनेंट और जो सर्विस होते हैं उसकी ग्रुपिंग होती है, लॉजिकल ग्रुपिंग होती है, मींस कि एक रिलेटेड कंपोनेंट और सर्विस का जो ग्रुपिंग होती है वो एक मॉड्यूल होता है, मींस कि हम अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट, जो कि अलग अलग फोल्डर में होते हैं, उसका एक सिनेरियो होता है, राइट। तो उसको एक एक करके मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूँ कि मींस कि जो दोस्तों मॉड्यूल होता है, एक लॉजिकल ग्रुपिंग होता है कंपोनेंट्स और सर्विसेज का, राइट। तो जो कि आपके एप्लीकेशन का जो डिफॉल्ट मॉड्यूल होता है, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस होता है, राइट। तो इसके बारे में पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे बहुत सारे मॉड्यूल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, क्यों कर सकते हैं, राइट। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि जो ऐप डॉट मॉड्यूल होता है, जो ऐप मॉड्यूल होता है, ये हमारे एप्लीकेशन का डिफॉल्ट मॉड्यूल होता है, मींस कि दोस्तों किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन के लिए एक मॉड्यूल होना जरूरी होता है, जिसे हम रूट मॉड्यूल बोलते हैं, राइट। तो ये मॉड्यूल जरूरी होता है ऐप मॉड्यूल किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद आप मल्टीपल मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं एज ए रिक्वायरमेंट, राइट। तो दोस्तों, इसको पहले समझते हैं कि इसका क्या कंसेप्ट है। जैसा कि थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने आपको पिछले वीडियोज में जब मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा था तो उस टाइम बताया था, राइट, कि मींस कि दोस्तों ये एक डेकोरेटर एक्सेप्ट करता है, एक डेकोरेटर होता है इसमें जो एनजी मॉड्यूल होता है, जो कि हम एंगुलर के कोर लाइब्रेरी से इसको इम्पोर्ट करते हैं। डेकोरेटर इसको इस एनजी मॉड्यूल है दोस्तों, डेकोरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे एड्रेट लगा हुआ, आगे एंगुलर में कहीं भी एड्रेट प्रीफिक्स के साथ देखेंगे तो आप समझ जाइए कि वो एक डेकोरेटर है, राइट। डेकोरेटर के बारे में भी हमारा अगला वीडियो आएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि डेकोरेटर क्या होता है, राइट, उसको भी हम अच्छे से डिटेल्स में समझाएंगे। बस अभी समझ लीजिए कि एनजी मॉड्यूल एज ए डेकोरेटर यहाँ पर है, राइट। और ये एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है जिसमें बहुत सारे एरेज होते हैं, राइट, मोस्टली जो 4 या 5 एरे
जो यूजफुल होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके आते हैं। जैसे कि डिक्लरेशन होता है, इम्पोर्ट्स होता है, प्रोवाइडर्स होता है और बूटस्ट्रैप होता है, राइट। तो दोस्तों पहली बात तो हम ये बताएं कि जो डिक्लरेशन होता है, राइट, डिक्लरेशन में हम उनको रखते हैं जब जिनको हम एज ए कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, राइट। जब भी हम कोई इस प्रोजेक्ट में कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो उसको हम डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हमें डिक्लेयर करना होता है, राइट। और यहाँ पर उसे इंपोर्ट करना होता है, राइट। जैसे कि बाय डिफॉल्ट ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में आप देख रहे हैं कि ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल, आप देख सकते हैं ऐप कंपोनेंट। तो उस इसको हम कहाँ डिक्लेयर कर रखे हैं, ऐप कंपोनेंट को देखिए डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर है और यहाँ पर इम्पोर्ट किया हुआ है, जो कि बाई डिफॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम में ये हो जाता है, राइट। अब आगे से हम क्रिएट करके अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो यहां पर डिक्लेयर करना होगा। दो तरीका होता है दोस्तों कंपोनेंट क्रिएट करने का, राइट। या तो आप यहां पर राइट क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप टर्मिनल में जाकर, यहां पर इंटीग्रेटेड टर्मिनल में जाकर यहां पर, राइट, यहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं पहले डिलीट कर दूं, टर्मिनल में जाएंगे, राइट, और यहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर इसका कमांड होता है दोस्तों कंपोनेंट क्रिएट करने का। दोनों में डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि अगर राइट क्लिक करके अगर आप यहां पर क्रिएट करते हैं कंपोनेंट, तो आपको मैन्युअली यहां पर इंपोर्ट करना होगा, लिखना होगा और यहां पर डिक्लेरेशन सेक्शंस में डिक्लेयर करना होगा। बट अगर हम कमांड के थ्रू कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है यहां पर, और यहां पर डिक्लेरेशन सेक्शन में भी ऐड हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है। तो उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको भी दिखाता हूं। यहां पर दोस्तों यहां पर कमांड होता है, आप इसको नोट करते जाइए क्योंकि आपको आगे प्रोजेक्ट बनाते टाइम यूज में आएगा या फिर इंटरव्यू पर्पस के लिए भी जरूरी होता है। तो उसके लिए होता है दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एनजी से हम कोई भी कमांड चलाते हैं एंगुलर में, एनजी फॉर एंगुलर होता है। जैसे हमने एनजी सर्व किया था, एनजी न्यू क्रिएट किया था प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे एनजी, राइट। अब उसके बाद हम जेनरेट लिखते हैं, जेनरेट, राइट, जेनरेट, राइट, या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं दोस्तों, जेनरेट का शॉर्ट फॉर्म जी और कंपोनेंट, कंपोनेंट का शॉर्ट फॉर्म सी, राइट। या तो फुल लिखिए एनजी जनरेट कंपोनेंट, या फिर एनजी जी सी और कंपोनेंट का नेम, जैसे मान लो दोस्तों हमने इंप्लॉय रख लिया, राइट। जैसे इंटर हिट करेंगे दोस्तों हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट होगा जिसमें चार फाइल बनेंगे, राइट। तो एक थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको वेट करते हैं। तो आप यहां पर देख लीजिए दोस्तों कि चार जनरेट हो चुका है और चार फाइल बना है, राइट। एक तो बन गया आपका एम्प्लॉय डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल, उसके बाद स्पेसिफिकेशन डॉट टी एस, उसके बाद डॉट टी एस, उसके बाद डॉट सी एस एस, राइट। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी कंपोनेंट क्रिएट होता है तो उसके साथ अपना एक HTML क्रिएट होता है और एक CSS, जो इंटरनल CSS होता है, उसका फाइल क्रिएट होता है, राइट। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि अपडेट src app.module.ts भी अपडेट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमने क्रिएट किया, अपने आप एम्प्लॉय कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं इंपोर्ट हो गया और डिक्लेरेशन सेक्शन में भी डिक्लेयर हो गया। और ये फोल्डर देखिए यहाँ पर बन गया एम्प्लॉय नाम से, इसके अंदर आप देखिए चार फाइल बन चुका है। एक जो मेन फाइल होता है इसका एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, इसमें हम वर्क करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपना हर कंपोनेंट का एक सिलेक्टर होता है और यही सिलेक्टर इस कंपोनेंट का रेफरेंस होता है, इंस्टांस होता है। इसको हम जिस एचटीएमएल पेज पर रखते हैं तो इस पेज का, इस कंपोनेंट का सारा वर्क वहां पर दिखता है, शो होता है, राइट। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस कंपोनेंट के लिए जो टेम्पलेट है एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, इसका अपना एचटीएमएल पेज है, इसका वर्क रेफरेंस दिया हुआ है, राइट, और इसका अपने सीएसएस का भी रेफरेंस दिया हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट सीएसएस। मींस कि इस सीएसएस पर कुछ भी लिखेंगे तो इसका इफेक्ट कहाँ होगा दोस्तों, इसके एचटीएमएल पर, जो कि अपना इंटरनल एचटीएमएल है, राइट। तो इंटरनल एचटीएमएल और सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और ग्लोबल सीएसएस का जो स्टाइल्स होता है उसका मैंने डिफरेंस आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो कि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर वाले में मैंने बताया था, राइट। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो ये होता है दोस्तों कि हम कंपोनेंट इस तरीके से क्रिएट करते हैं, और वही चीज आपके मॉड्यूल और टीएस में डिक्लियर और इंपोर्ट करना होता है,
राइट। तो अगली बात होती है दोस्तों कि हम कितने मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया, हम मॉड्यूल कैसे क्रिएट करेंगे और कितने कर सकते हैं, उन सारे चीजों को भी मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये एनजी मॉड्यूल जो डेकोरेटर होता है, जो कौन कौन सा एरे एक्सेप्ट करता है। तो हमने अभी डिक्लेरेशन सेक्शन के बारे में देखा। तो दोस्तों डिक्लेरेशन सेक्शन में हम कंपोनेंट को डिक्लेयर करते हैं, पाइप को करते हैं, डायरेक्टिव्स को करते हैं, राइट। ये सारी चीजें भी अगले आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे कि डायरेक्टिव्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, पाइप कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। बस आप यहां इतना समझिए कि डिक्लेरेशन सेक्शन में दोस्तों हम कंपोनेंट को, डायरेक्टिव्स को और पाइप्स को डिक्लेयर करते हैं, राइट। और अगला होता है दोस्तों इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स में दोस्तों हम मॉड्यूल्स को, जो हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे उसको हम इंपोर्ट करेंगे यहां पर, राइट। मींस कि जैसे ही मॉड्यूल क्रिएट करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि यहां पर हम उसको इंपोर्ट करेंगे। मींस कि कंपोनेंट हम डिक्लेरेशन सेक्शन में रखते हैं और मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो हम इंपोर्ट्स के अंदर रखते हैं, राइट। दोनों एरे में डिफरेंस है, इंपोर्ट्स और डिक्लेरेशन सेक्शंस में, राइट। तो दोस्तों यहां पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि ब्राउजर मॉड्यूल और ऐप राउटिंग मॉड्यूल जो कि बाय डिफॉल्ट ऐड है इसमें, राइट, प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम ही ऐड हो जाता है। और ये देख सकते हैं यहां पर इंपोर्ट भी किया हुआ है, राइट। अगली बात आती है दोस्तों कि प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स के अंदर दोस्तों हम सर्विस को रखते हैं। कोई भी सर्विस हम बनाएंगे अपने एप्लीकेशन में या यूज करेंगे तो उसको हमें प्रोवाइडर सेक्शंस के अंदर रखना होगा और उसको इंपोर्ट करना होगा इस पेज पर, राइट। जब हम करेंगे आगे वीडियोज में तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रोवाइडर्स के अंदर रखते हैं, अगर नहीं रखेंगे तो क्या एरर आता है, राइट। तो दोस्तों आपके माइंड में ये भी यहां पर आ सकता है कि हम डिक्लेरेशन सेक्शन में कंपोनेंट को रखते हैं, प्रोवाइडर्स को अलग रखते हैं, तो हम दोनों को एक साथ क्यों नहीं रख सकते, राइट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे या फिर आपके माइंड में आ सकता है जनरली। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस होता है कि डिक्लेरेशन सेक्शन में कोई हम कंपोनेंट, डायरेक्टिव या पाइप्स रखते हैं तो दोस्तों ये कंपाइल टाइम होता है। कंपाइल टाइम ही इसमें जो भी इश्यू आता है तो हमें वो इशू दिख जाता है, एरर शो कर देता है। बट सर्विस में अगर कोई एरर होता है दोस्तों तो आपका एप्लीकेशन एज इट इज रन कर जाता है बट एरर नहीं दिखता उस टाइम, उसका रिजल्ट आपके पास नहीं आता, सही रिजल्ट नहीं आता, राइट। मींस कि ये इंजेक्टर टाइप का होता है। सर्विस हम यूज करते हैं तो इंजेक्टर टाइप का होता है और वहां पर कंपाइल टाइम पे नहीं दिखता है, इसलिए अलग अलग इसके सेक्शन बनाए हुए हैं, राइट। अगला होता है दोस्तों बूट स्ट्रैप, राइट। बूट स्ट्रैप होता है दोस्तों कि इसके अंदर हम एप्लीकेशन बूटिंग प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट पहले लोड होगा, राइट। तो दोस्तों ये हुआ एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर का कंसेप्ट, राइट। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि हम कैसे मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। तो मॉड्यूल क्रिएट करने का कमांड होता है, हम यहां पर लिखेंगे एनजी, जी फॉर जनरेट या जनरेट या जी कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा मॉड्यूल, राइट। और फिर उसके बाद मॉड्यूल का नेम देना होगा। तो दोस्तों मान लो दोस्तों हमने कंपनी नेम से एक मॉड्यूल क्रिएट किया, कंपनी नाम रख लिया, डायरेक्ट, राइट। उसके बाद हम इंटर हिट करेंगे, राइट। तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा कि आप देखेंगे यहां पर ये क्रिएट हो गया ऐप एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर कंपनी के अंदर कंपनी मॉड्यूल और टीएस क्रिएट हो गया। दोस्तों कोई भी फाइल क्रिएट होगा तो ऐप के अंदर ही होगा क्योंकि ऐप एक रूट फोल्डर होता है, राइट। तो आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया, उसके अंदर आप देखिए कंपनी डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल क्रिएट हो गया है, राइट। मींस कि आप मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल, राइट। दोस्तों मान लो हमारे पास ऐसा सिनारियो है कि हम किसी कंपनी के लिए एक ईआरपी टाइप का बना रहे हैं, राइट। मींस कि कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम का एक हम सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं तो उसमें हो सकता है कस्टमर पोर्टल हो, एक अकाउंट पोर्टल हो, उसके बाद आप बात कर सकते हैं एम्प्लॉय के लिए पोर्टल हो, एचआर मैनेजमेंट का अलग से पोर्टल हो, राइट। तो दोस्तों हर पोर्टल के लिए अलग अलग हम मॉड्यूल बना लेंगे, राइट। क्यों बनाएंगे, इसका कंसेप्ट क्या है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आपको पता है कि ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस आपका रूट मॉड्यूल है और यहां पर हम कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसका डिक्लेरेशन सेक्शन में रखते हैं,
सर्विस बनाते हैं तो प्रोवाइडर्स के अंदर रखते हैं, कोई मॉड्यूल होता है तो इंपोर्ट्स के अंदर रखते हैं। अगर मान लो दोस्तों हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हर पोर्टल के लिए अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट बन जाते हैं, बहुत सारे पेज होंगे, तो उन सारे कंपोनेंट को अगर हम एक ही ऐप डॉट मॉड्यूलर टीएस फाइल के अंदर अगर इंपोर्ट करते हैं, डिक्लेरेशन सेक्शन में रखते हैं, तो ये पेज मैनेज करने में डिफिकल्टी होगी, राइट? ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि हर पोर्टल के लिए एक अपना अलग अलग मॉड्यूल बना लेंगे, राइट? और उस मॉड्यूल में उस पोर्टल से रिलेटेड, उस फीचर से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को रखेंगे और वहां पर उसके डिक्लेरेशन सेक्शन में रखेंगे, उससे रिलेटेड सर्विस को रखेंगे उसके डिक्लेरेशन सेक्शंस में रखेंगे, और उस मॉड्यूल को, हर एक पोर्टल के मॉड्यूल के रेफरेंस को हम ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर ला के रख लेंगे इस इंपोर्ट सेक्शंस के अंदर। मींस कि हर पोर्टल के लिए का अपना मॉड्यूल होगा और उस मॉड्यूल में उस पोर्टल से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट और सर्विस होंगे उनका डिक्लेरेशन होगा, और उस मॉड्यूल का रेफरेंस कहाँ होगा दोस्तों, आपका रूट मॉड्यूल ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फीचर मॉड्यूल्स, राइट? फीचर मॉड्यूल का कंसेप्ट भी बहुत बड़ा है, उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि फ्यूचर मॉड्यूल होता क्या है। तो इसी चीज को हम फ्यूचर मॉड्यूल बोलते हैं। मींस कि हर एक लॉजिकल ग्रुपिंग कर देते हैं, राइट? कि हर एक पोर्टल के लिए अलग अलग हम फीचर मॉड्यूल कर देते हैं, कि एक फीचर के लिए अलग मॉड्यूल भर में बना लिया, राइट? इसीलिए इसको हम बोलते हैं फीचर मॉड्यूल। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मॉड्यूल क्या होता है, कि लॉजिकल ग्रुपिंग होता है मॉड कंपोनेंट्स और सर्विस का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ऐसा लग जाएगा कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हर पोर्टल का अलग अलग मॉड्यूल होगा और उसमें उससे रिलेटेड ही कंपोनेंट और सर्विस को हम रखेंगे। मींस कि एक लॉजिकल ग्रुपिंग कर देते हैं एक मॉड्यूल के अंदर, और उस मॉड्यूल को हम कहाँ लाकर रेफरेंस दे देंगे, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर, राइट? तो ये कंसेप्ट है फ्यूचर मॉड्यूल का, फीचर्स मॉड्यूल, राइट? तो दोस्तों एक काम करते हैं, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। एक काम करते हैं कि इस कंपनी मॉड्यूल के अंदर हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और उसका रेफरेंस हम कहाँ देंगे, कंपनी डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर, मींस कि इस डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर, राइट? और इस मॉड्यूल का रेफरेंस, जो कंपनी मॉड्यूल है, इसका रेफरेंस हम कहाँ देंगे, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर, जो कि आपके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा आपके लिए। जो मैंने थ्योरी बताया उसका प्रैक्टिकल भी आप यहाँ पर देख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एनजी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट। उसके बाद हमें करना क्या है, कंपनी के अंदर क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपनी कंपनी बैकस्लैश, और उसके बाद हम लिखेंगे जिस नेम से आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो मान दोस्तों मैंने बनाया इम्प्लॉय लॉगिन नाम से कंपोनेंट, राइट? तो जैसे इंटर हिट करेंगे दोस्तों, तो ये चार फाइल क्रिएट करेगा, वो भी कंपनी के अंदर, कंपनी फोल्डर के अंदर क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी, जैसे ये कंपनी है, कंपनी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इम्प्लॉय लॉगिन क्रिएट हो चुका है फोल्डर, और इसके अंदर देखिए कंपोनेंट के जो फाइल होते हैं, टीएस फाइल, एम्प्लॉय लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, एम्प्लॉय लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेसिफिकेशन डॉट टी एस, एम्प्लॉय लॉगिन डॉट कंपोनेंट एच टी एम एल, इसका अपना एच टी एम एल यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेक्टर के अंदर जो रेफरेंस दिया हुआ है, ये इसको आप जहाँ रखेंगे ये पेज का रेफरेंस हो जाएगा, और इसका अपना एच टी एम एल इसके अंदर जनरेट हो चुका है, इसका अपना सी एस एस है यहाँ पर जनरेट हो चुका है, राइट? मीन्स कि हम इस मॉड्यूल के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट कर ले, इस तरीके से इस एक एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? और इसका रेफरेंस, मीन्स कि दोस्तों इसका रेफरेंस हमें किसके अंदर देना होगा, कंपोनेंट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल के अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, राइट? और कंपनी डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल के अंदर जाएंगे और डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर आप देख लीजिए अपने आप डिक्लेयर हो चुका है, राइट? मींस कि इसके अंदर जैसे हमने क्रिएट किया, अपने आप डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर एम्प्लॉय लॉगिन कंपोनेंट आ गया है और यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया है, इसके अंदर हमने रखा था। जबकि पहले मैंने क्रिएट किया था दोस्तों, तो कहाँ उसका रेफरेंस गया था, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल के अंदर। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय लॉगिन नाम से नहीं है, मैंने कॉपी किया था इसीलिए कि अगर यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये यह नहीं है,
राइट, आप देखिए यहां पर नहीं मैच कर रहा है, राइट। तो मींस कि इसका अपना इस कंपनी मॉड्यूल का ये अपना कंपोनेंट हो गया है, इसलिए कंपनी डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर अपने आप इसको रजिस्टर कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, और डिक्लेरेशन सेक्शंस के अंदर इसको डिक्लियर भी कर दिया, राइट। अब एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर एक कंपोनेंट एक मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर हो चुका है तो वही कंपोनेंट आप दूसरे मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एक अच्छा कंसेप्ट है। अगर मैं इसी को कॉपी करके अगर यहाँ पर एप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस फाइल के अंदर और डॉट एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल के अंदर जाकर इसके डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर यहाँ पर कॉमा लगाकर यहाँ पर लाकर लिखूं तो ये एरर देगा, राइट। राइट मींस कि यहाँ पर आप नहीं कर सकते, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसको इम्पोर्ट भी कर दूँ, यहाँ पर इम्पोर्ट भी कर दूँ तो ये एरर हमें शो करेगा, जब रन कराएंगे तो बोलेगा कि मल्टीपल टाइम आप सप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए यहाँ से हम इसको हटा देंगे, राइट। मीन्स कि मल्टीपल प्लेस पर इस एक ही कंपोनेंट को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। अगला बात है दोस्तों कि अब हमें क्या करना होगा इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए, इसको ये जो कंपनी डॉट मॉड्यूल और टीएस फाइल है इसको हमें क्या करना होगा, यहां से कॉपी करेंगे और इसको हम एप डॉट मॉड्यूल और टीएस फाइल के अंदर इंपोर्ट करेंगे, राइट। मींस जैसा कि मैंने बताया था कोई भी मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो हमें रूट मॉड्यूल के अंदर उसको इंपोर्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर देंगे, राइट। इंपोर्ट करने के लिए हमें इसका पाथ भी यहाँ पर रखना होगा, राइट। यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हमने और इंपोर्ट सेक्शन के अंदर रख लिया, राइट। तो ये कंसेप्ट हुआ कि मल्टीपल मॉड्यूल हम क्रिएट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। मैंने अभी एक कंपनी नेम से क्रिएट किया मॉड्यूल, आप मल्टीपल मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, उसके मल्टीपल मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं, और यही आपका कंसेप्ट होता है कौन से कंपोनेंट का रेफरेंस कहाँ होगा और कौन से मॉड्यूल का रेफरेंस हमें कहाँ देना होगा, राइट। तो दोस्तों ये अभी आपको कहीं एरर नहीं दिख रहा है, और हम इसको सर्व भी कर सकते हैं तो हमारा अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुली सर्व हो जाता है तो मीन्स कि हमारे एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं है, हमने सही तरीके से इसको मैनेज किया, राइट। तो यहाँ पर एनजी सर्व लिखेंगे, राइट, और इंटर हिट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपाइल सक्सेसफुली दिखा रहा है, मींस कि हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई इशू नहीं है, हम इसको ब्राउजर में भी देख सकते हैं। दोस्तों हमारे ब्राउजर में जो कि डिफॉल्ट पोर्ट होता है 4200 पोर्ट पर आप लोकल होस्ट लिख कर करेंगे तो ब्राउजर में दिख जाएगा, मीन्स कोई एरर नहीं है। तो दोस्तों ये होता है मॉड्यूल का कंसेप्ट, राइट। एक चीज और बताऊं दोस्तों कि आप कहीं कहीं देख रहे होंगे इसमें आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ पर कभी कहीं एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, जिस क्लास के पहले एक्सपोर्ट लिखा हुआ रहता है, मतलब दोस्तों कि हम इसको पब्लिकली क्लास बना रहे हैं, इसको हम कहीं भी अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, राइट। और इम्पोर्ट में हम इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तभी लगाते हैं जब हम इसको किसी और पेज पर कहीं इस प्रोजेक्ट में यूज करना होता है तो उस क्लास के पहले हम एक्सपोर्ट लगाते हैं, राइट। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल का क्या कंसेप्ट है और कितने मॉड्यूल हम क्रिएट कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, और फीचर्स मॉड्यूल क्या होता है, हम कैसे क्रिएट करते हैं मॉड्यूल, कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसका रेफरेंस कैसे सेट करते हैं, इन सारे चीजों को हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल्स में देखा, प्रैक्टिकल किया। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम डेकोरेटर के साथ, मीन्स कि एंगुलर 7 में डेकोरेटर का क्या कंसेप्ट है, राइट। तब तक ले थैंक यू सो मच दोस्तों।